ताजा वीआईपी सब्जी आलू बैंगन ओ बिस्मिल्लाह वीडियो बन रही है माशाल्लाह भाई। आज हम आलू बैंगन बनाने लगे हैं अपने खाने के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सोने के लिए, क्योंकि बाजार से खाना लाने में बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी होती है, इसलिए हमने समस्या का हल निकाल लिया। घर में ही हम प्याज का वट हैं। उसके बाद ये देखें, ये ऐसे हाथ होगा, ऐसे छुरी, ऐसे ये देखें, ऐसे खुद चलती जाएगी भाई। स्टंट खतरनाक है, अपनी जिम्मेदारी पे करना भाई। इसमें उंगल भाई, अभी हम बनाने लगे हैं सबसे महान सब्जी, शक्तिमान, सबसे महान और शक्तिमान सब्जी। ये वो सब्जी है, इस सब्जी को आप जिस बीमारी के लिए सोच के खाएंगे उसकी शफा है, और बहुत सारे लोग नहीं खाते। हकीकत है भाई, आप मेरी तरफ हंस रहे हो। इसको अगर नुकसान समझ के खाओगे तो नुकसान है। बैंगन की बात कर रहा हूँ मेरा भाई, बताऊँ जिसे कहते हैं बताऊँ बैंगन, ये बहुत ही सब्जियों की बदमाश सब्जी है मेरा भाई। ये सब्जी के फायदे भी बहुत हैं और फायदे भी बहुत। ये बात हकीकत है कि सब्जी को जो जिस मर्ज की शफा समझ के खाओगे, इंशाल्लाह ताला मौला करीम कायनात गाजी शहंशाह आपको इसकी शफा देंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, अभी हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपको प्याज ब्राउन करके। भाईजान अगर प्याज मेरे ब्राउन हो चुके हैं, इंशाल्लाह अभी इसमें टमाटर डालेंगे हम। यार ये जो बाहर से आप मुझे बार बार बोल रहे हो ना, ये काला है काला है काला है, ये भाईजान इसका ओरिजिनल रंग है ऐसा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे पांडे कली करालो वाले नहीं आते, आप मेरी बात को मजाक बना रहे हो यार। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में अक्सर आपने देखा होगा ना गलियों में बाजारों में आवाजें लगा रहे होते हैं, पांडे कली करालो पांडे। ये इसमें आप टमाटर जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह, क्या बात है ये, क्या बात है भाई। तड़के मैं कह रहा जी, लोहरी तड़के, अंदरूनी तड़के, मोची गेट के लवारी तड़के, क्या बात क्या बात। अगर भाईजान यहाँ पे वो आवाज़ें आ रही हो ना, भांडे कली करा लो, आया नहीं बीबी मैं आया, मेरी कौली कली कर दे, नाले थाली पनीर है चमकाउनी है, ना चोखा खप कपैया बाबा मांगता है करपैया, वो यहाँ पे नहीं आते। ये इसका ओरिजिनल रंग है, ये देखो, ये देख, ये इसका ओरिजिनल रंग है भैया, एवं टेंशन ना बैठ पाए यहाँ। और ये मुंह पतीले फड़ने वाला है, ये देखो सैयद, आपको पता है ये जो पतीली आपने पकड़ी है ना जिससे, इसको पाकिस्तान में डेंगी बोलते हैं। ये इसको, हाँ ये पाकिस्तान में डेंगी है, यहाँ पे ये इसे इसका नाम लेते हैं कोरोना, अपना क्या उसे कहते हैं, मददगार, मददगार यानी हेल्पर, हेल्पर यस। प्लीज व्यूअर्स, आप हमें इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन माने, जैसे हम खाना मोहब्बत से बनाते हैं वैसे ही आप हमें मोहब्बत दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या कहने आपके, आए हाय हाय हाय, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। नजफ अशरफ की फिरदाउस में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है, मेरे मौला की जूतियों का सदका है हम पे। ये हमारे भड़े भी, ये देखें ये भड़े हुए हैं चम्मच चम्मच,
अभी कारवां नहीं है, वेले हैं तो घर पे पकाते हैं, खाते हैं, तो हम पकाएंगे, हम खाएंगे तूसानू की। ठीक हो गया ना जी? और हाँ, जिस चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम वेले हैं अभी बता सकते हैं आपको। हाँ जी, हमने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे रखा है, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यार, मलंग की सदा है। अपने दोस्तों को भी बोला करें कि यासर मलंगी देखा करो, और कभी हंस भी लिया करो। जी भाई जान, आ गए हुए हैं आप फिर से? जी सर, हम आपके सर पर ही खड़े हैं। सर ये देखिए, मसाले की बनाई हो रही है, जरा थोड़ा सा क्लीन करके दिखाएं। माशाल्लाह, ये देखिए खाने का टेस्ट जो है ना, वो ग्रेवी से पता चल जाता है। जब सालन बन जाता है, इसका मसाला तैयार हो जाता है, इसी मसाले से खाने का पता चल जाता है। अगर आप दिखा सकते हो तो थोड़ा सा हंडिया के करीब ला कर दिखाएं। वाह वाह भाई जान, एक बात मैं आपसे, आप मुझे पूछ रहे थे कि मसाले आप क्यों नहीं सालन में डालते, मैं दिखाते जी। दरअसल हमारा मसाले डालने का जो अंदाज़ है ना, वो अलग से है। वो इदा वा कि असी आ डब्बी खोलनी, आई मीन के डब्बी खोलनी है, और इसमें से ये सबून नहीं, चिंग चिंग चिंग, है डब्बी फड़नी है, ढक्कन खोलना है, क्रेम क्रेम, अंदाजे से वही हम मसाले डालते हैं। सीधी सी बात, बाकी मसाले वही होते हैं, धनिया पाउडर और इलायची सुपारी कह रहे हैं, अपना वो जो होता है अपना जीरा, ठीक हो गया, लाल मिर्च, नमक, इतना सा गरम मसाला पिसा हुआ, मेथी घर में हो तो वो भी, नमक और लाल मिर्च और हल्दी वगैरह। हाँ ये बस जो आपके समझ में आता है यार, अपने हिसाब से डाल लो मसाले, इन्नी टेंशन कौन नहीं होती। डंगर बनाने लगे हम मसाले भी अगला दस दे रहे हैं, नहीं बस आपके खाने का जो सबसे अहम चीज, सबसे अहम राज है ना भाई, वो किसी ने भी नहीं आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में बताया, आपका भाई बताएगा आपको क्या राज है भाई। ये जो बुनाई हो रही है, मसाले पा के थोड़ा थोड़ा पानी पा के बुनाई करी जाओ, ये सारा टेस्ट सही है। थोड़ा चम्मच में उठाइए ना बस भाई, आप मोबाइल थोड़ा सा इधर से आके थोड़ा सा बीच में इसके कर ले, बीच में ही मत लूंगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त मेरे भाई। यही है सारा टेस्ट, ये जो बुनाई हो रही है, चिड़चिड़ की आवाज़ें आ रही हैं ना बारिश की, यही भाई धन, ये देखो मसालों की खुशबू आ रही है, बेशक आ रही है। हाय हाय हाय, आह ये मेरी वालदा का प्यार है मुझे, यही है भाई जान सारा खाने का टोटल टेस्ट यही है। बाकी इसमें आपने आलू बैंगन बाद में डाल देने हैं, उसे थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ी देर हला के दम पे रख देना है, तो वो पाकी जाने, इसमें गल जाने हैं बस। बाकी मसाले के फ्लेवर टेस्ट निकालना, यही सबसे बड़ी जानकारी होती है। वो कह देते हैं जी 10 मिनट बनाई कर लो, 15 मिनट बनाई कर लो, तेल उत्ते आ जाए तो छड़ दो, नहीं ये कभी भी नहीं होया। इंसान बड़ा हो जाए तो उसके पास सब कुछ आ जाता है, नहीं, जब तक भाई साहब उसे आप पढ़ाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, कुछ सिखाएंगे नहीं, उस वक्त तक उसका कोई इलाका नहीं होगा ज़िंदगी में। ये हम आपको दस रहे हैं, इसी तरह ही खाना भी है, ये हंडिया भी ऐसे ही है। ठीक हो गया भाई जान, इसकी बनाई शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ, खुशबो भाई जी, तुम साड़ी गल ना ही सवाद लवो, माइंड हमारी बातों का यार, काम तो होना चाहिए ना भाई, खाना आपने खुद खाना है। अगर 500 भी जायरीन आए हुए हैं तो भाई उसी 500 के जायरीन के खाने में से ही आपने खाना खाना है, तो फिर क्यों ना थोड़ी सी मेहनत करके ऐसा बनाया जाए कि खाने का मजा आ जाए। ये ले, ये आलू भी गया, बैंगन भी गया, देख रहे हैं मसाला सब्जी के साथ कैसे आ रहा है ऊपर से। हाय हाय हाय, मैं नील कढ़ाइया नील दा
मेरे आलू बैंगन पक के चले जे होए आए हाय 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 सुभान माशाल्लाह भाई साहब ये पक्के आधे रह जाएंगे परेशान नहीं होना मसला नहीं है उस्ताद जी मसला नहीं है पानी निकलेगा बैंगनों का भी पानी निकलेगा ये जो है पानी छोड़ देंगे इसी पानी के अंदर भाईजान इसकी जो है बुनाई होगी तो बस देख लें हाय 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 क्या कह दिया आपने क्या कह दिया सुभान अल्लाह ये देखें अकेले अकेले बैंगन के साथ और आलू साहब के साथ आलू साहब सैयद आलू साहब क्यों है आलू भाई साहब जैसे एक मतलब के कबीले में सरदार होता है चौधरी होता है बड़ा होता है वैसे ही सारी सब्जियों में आलू है बेचारा सब क्या देसी भी है सबके मसले हल करता है जब इंसान को कुछ समझ ना आ रहा हो वो आलू किसी डेरे के पास जाता है अपने मामला क्लियर करवाने के लिए जी इसी तरह ही है जब इंसान को कुछ भी पकाने की समझ ना आ रहा हो तो यही कहता है आलू ही पका लो यार इसीलिए इसका नाम रखा गया है चौधरी आलू साहब ले भाई भाई जान गल्ला ही मुक गई जी सारियां बस सब खत्म टट्टा बाय बाय कहां से आते हैं ये लोग ये देखिए ये हमारा सालन बन गया है ये आलू ओहो अब वीडियो पे हम बता नहीं सकते इसकी खुशबू कैसी है भाई आलू बस थोड़ा सा जो है ना वो सख्त है हल्का सा इसे हम बस जस्ट 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे